रीना सिंह जी ने बड़े ही उत्साह के साथ अपनी बात को रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चेतावनी दी है, यदि हमारा मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय के अंदर हम आपको देखने की बात की है। इसी कड़ी के अंदर एक हमारे बीच में और भी है, आइए हम जानकारी देते हैं। क्या नाम? सुमन यादव। सुमन यादव जी, आप कहाँ से आए हैं? मैनपुरी यूपी से। आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आई है? 17 साल से उत्तर प्रदेश में शिक्षक कार्य करने के बाद हमको अध्यापक बनाया गया था। कुछ लोग हमारे खिलाफ कोर्ट गए, कोर्ट ने हमारे खिलाफ डिसीजन दिया, लेकिन एक डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी दिया समान कार्य समान वेतन का, तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश सरकार से चाहते हैं कि जो अगेंस्ट हमारे ऑर्डर हुआ उसको आप पालन कर रहे हैं, तो समान कार्य समान वेतन का आदेश हुआ उसका भी आप पालन करिए। 2 साल का समय दिया गया है, उनका जो भी टीईटी या जो भी टेस्ट होगा उसको हम पास करेंगे, लेकिन तब तक हमें समान कार्य और समान वेतन दें वो लोग। लगभग कितने अध्यापक हैं? 1,72,000 लोग हैं, जिनमें 32,000 को छोड़कर बाकी सबको अध्यापक बना दिया गया था। जिनको अध्यापक बनाया गया था उस समय उनकी योग्यता क्या मांगी गई थी? सारे लोग ग्रेजुएट थे और 2 साल का बीटीसी प्रशिक्षण कराया गया था उनको सरकार की अनुमति लेकर के। हमारी बीटीसी वैध है और हम सब ग्रेजुएट हैं।